नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं यशपाल कंचल स्वागत करता हूं आरएनए के इस खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज एक समाज सेवी राजवीर शर्मा लुधियाना और भुरान ने नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट से इस्तीफा दिया है। वो इंजीनियर के पद पर वहां तैनात थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वहां पर थे। उन्होंने कल ही अपने पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफे का कारण जो भी उन्होंने दिया है, लेकिन उसका सही कारण हम आज आपको बताने वाले हैं। वो सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं, जैसे कि पीछे कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग बता रहे थे कि वो सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं, इसी करके वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। कई बार वो मना करते थे, लेकिन कई बार वो स्वीकार भी करते थे कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, लेकिन किसी पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय, वो एक संशय का विषय था। लेकिन इन सब संशय पर आज उन्होंने विराम लगाया है। वो अपने पद से इस्तीफा देके अब सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, तो इसके मायने क्या है समझिए। अब वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मत रहेगा, लेकिन हम बताने वाले हैं कि फिलहाल वो एक निर्दलीय के तौर पर ही तैयारी कर रहे हैं। और पूरे हलके में जैसे उन्होंने पैठ बनाई है, हर गांव के अंदर जाकर उन्होंने हर वर्ग के अंदर अपनी पैठ बनाई है। चाहे बात की जाए कहीं रिबन काटना हो, या किसी गरीब की कन्या की शादी करनी हो, किसी चौपाल की मुरम्मत करानी हो, या किसी बच्चों के शिक्षण में कोई कमी आ रही, इन्वर्टर बैटरी तक बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने कई जगह रखवाए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप रहे हो, मेडिकल चेकअप कैंप रहे हो, उन्होंने बढ़ चढ़कर हर जगह भाग लिया है। तो इसके सीधे से मायने थे कि वो समाज पे अपनी पकड़ बनाना चाहते, लोगों से वो लगातार मिलते रहते जब भी उन्हें वक्त लगता था। और उनकी टीम जो उनकी अगुवाई कैप्टन करते हैं, उनके प्रिय मित्र भी हैं, उनके साथी भी हैं और सारथी भी हैं, वो उनकी गैर हाजिरी में लोगों से जनसंपर्क अभियान बदस्तूर जारी रखते थे। और जब उनको वक्त लगता था, राजवीर शर्मा खुद भी आते थे। अब वो छुट्टी लेकर, रेजिग्नेशन उन्होंने डाल दिया है, छुट्टी लेकर वो सक्रिय तौर पर हल्के में रहने वाले, हल्के की सेवा करने वाले हैं। अब इस सेवा का मायना ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, विधानसभा पर उनका फोकस था और इसी विधानसभा से वो जीत दल के विधानसभा चंडीगढ़ में बैठना चाहते हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना वो कामयाब इसमें हो पाते हैं, लेकिन अभी जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो सच में ग्राउंड उन्होंने तैयार कर लिया है। एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग से कहा जा सकता है, एक बिल्कुल ही अच्छी सेटिंग के साथ वो फील्ड में उतरे हैं। उन्होंने अपनी ग्राउंड आने से पहले ही उनकी ग्राउंड बिल्कुल तैयार है। समाज में, हल्के में उनका नाम है, समाज सेवी के तौर पे लोग उन्हें जानते हैं। और लुधियाना और भुरान उनके दो गांव हैं, तो उसका बेनिफिट भी है, लोकल है, लोगों के बीच रहते हैं और जातीय समीकरण में भी वो सफेदों की राजनीति में फिट बैठते हैं। तो आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि वो कितना लोगों के दिलों पे राज कर पाते हैं, कितना वोट वो खींच पाते हैं। लेकिन एक बात तो लगभग तय है कि उनके आने से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ मुश्किलें होने वाली हैं। वो मुश्किलें वोट के रूप में होगी, कितनी वोट ले पाते हैं या वो जीत दर्ज कर पाते हैं, ये चर्चा का विषय रहेगा और पता चलेगा कि कितनी वो वोट खींच पाते हैं। लेकिन एक बात जाहिर सी है कि वो लोगों के दिलों पे इन दिनों राज कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो जुड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में जब वो खुद खड़े होंगे फील्ड में तो काफिला बढ़ता जाएगा। और हो सकता है कि जिसको भी जीतना हो, राजवीर शर्मा से फाइट करके ही जीत दर्ज करनी होगी, तभी वो विधायक का पद पा पाएंगे। तो बने रहिएगा आरएनए के साथ, मैं यशपाल कर।